निजी स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को लेकर चाबुक चलाने वाली सरकार की आंगनबाड़ियों में विदेशी पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाने की आड़ में एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने की कोशिश का पर्दाफाश हुआ है। मामला अब हाई कोर्ट के पाले में है। अब जरा पूरा मामला भी जान लीजिए। राज्य सरकार के महिला बाल विकास विभाग ने प्रदेश की आंगनबाड़ियों में 60 करोड़ की किताबें और खिलौने सप्लाई करने के टेंडर जारी किए हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब जरा टेंडर की शर्तें भी जान लीजिए। वह कंपनी ही टेंडर में शामिल हो सकती है जो किताबें प्रकाशित करने के साथ साथ खिलौने भी बना रही हो। इस शर्त में जो भ्रष्टाचार छिपा है वह यह है कि ऐसी फर्म भारत में है ही नहीं। यह सब यूएई और अमेरिका की फर्म को पहले से तय कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की जुगत है। और इसके पीछे अगर सूत्रों की माने तो इंदौर का एक दलाल काम कर रहा है। लेकिन अब यह गोरख धंधा निगाह में आ गया है और गेंद हाई कोर्ट के पाले में पहुंच चुकी है। भ्रष्टाचार के इस खेल में दलाल के साथ सरकार की एजेंसी लघु उद्योग निगम भी देती नजर आ रही है, जिसने जानबूझकर टेंडर में ऐसी अजीब शर्त रखी है जो भारतीय पब्लिशर्स के बस में ही नहीं है। टेंडर में जो किताबें निर्धारित की गई हैं, उनके पब्लिकेशंस यूएई और अमेरिका में हैं, यानी भ्रष्टाचार करने की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। बस खिलौनों के जरिए 60 करोड़ का खेल खेलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। देखिए, तो घोटाले की ही सरकार है, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या अस्पताल हो। कहाँ से कैसे पैसे मिलेंगे, किस ढंग से पैसे कमाए जाएं, यही इस सरकार का सबसे बड़ा मंतव्य है। इसलिए ठेकेदारी प्रथा को और मजबूत करते हुए भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना यही सरकार का मंतव्य है, क्योंकि करोड़ों रुपये इकट्ठे करने की जिम्मेदारी पप्पू गांधी ने कमलनाथ जी को ही दी है, जिससे वो देश भर में कांग्रेस को चुनाव लड़ा पाए। तो अब ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा का मामला है। तबादला उद्योग फल फूल रहा है, अराजकता का माहौल बना है, फिरौती उद्योग बहुत तेजी से चल रहा है। तो इस सरकार में और कुछ अपेक्षित नहीं है। आंगनवाड़ी, जो कि बच्चों को अच्छे से पालने का एक मंदिर होता है, वहाँ पर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार है, जिनके राज में भ्रष्टाचार की लेश मात्र भी जगह नहीं है। और यदि टेंडर की पूरी प्रक्रिया में किसी को लाभ, किसी व्यक्ति विशेष को या संस्था विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश किसी प्रकार के लोगों ने मिलकर की गई है, तो सरकार के स्तर पर जाँच होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि ये मध्य प्रदेश के आम लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है, जिसके खर्च की जिम्मेदार सरकार है, और एक भी पैसा व्यर्थ न जाएगा, ना किसी दलाल के हाथ में जाएगा। तो हम इस पूरी प्रक्रिया की जांच कराएंगे, जो दोषी उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और टेंडर इस प्रकार का बनाएंगे कि सारे के सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, जिससे सरकार को कम खर्च पर अधिक से अधिक अच्छी चीजें मिल सके। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट न्यूज गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। आज ही ऐप को डाउनलोड करें और बेल आइकन दबाकर हमें सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।